बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, वेलकम टू रिग्रेस मैथमेटिक्स, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट, टुडे इज द टर्न ऑफ लेक्चर नंबर 14 ऑफ फंक्शनल एनालिसिस। बिफोर मूविंग ऑन टुवर्ड्स द फॉर्मल कंटेंट ऑफ माय चैनल, प्लीज सब्सक्राइब इट इफ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड इट एज येट। आज बनाक स्पेस की एक और एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, प्रूफ करेंगे कि सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पर जब यूजुअल अंदाज में नॉर्म लेकर नॉर्म स्पेस बनाई जाए तो वो नॉर्म स्पेस बतौर मैट्रिक्स स्पेस कंप्लीट होती है। किस मैट्रिक्स स्पेस के तहत? जो मैट्रिक्स उससे इंड्यूस हो रही होती है, यानी कि सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स को जब बतौर नॉर्म स्पेस माना जाए यूजुअल नॉर्म के थ्रू, तो वो बनाक स्पेस बनती है। बनाक स्पेस क्या है कि जिसमें कोई कोशी सीक्वेंस लिया जाए तो वो कन्वर्ज करे उसी के अंदर, ठीक है, अंडर द मैट्रिक डेफिनेशन। कौन सी मैट्रिक? जो कि इंड्यूस हो रही हो नॉर्म से। लेट्स स्टार्ट। तो हम इसको प्रूफ को स्टार्ट करते हैं। लेट जेड एन बी अ कोशी सीक्वेंस इन सी, कोशी सीक्वेंस इन सी। सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स की नॉर्म स्पेस में एक कोशी सीक्वेंस ले लिया, ठीक है। अब ये सीक्वेंस ऑफ नंबर्स है, यानी सीक्वेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स है, तो ऑब्वियसली यहां पर कॉम्प्लेक्स नंबर्स की स्टैंडर्ड फॉर्म होल्ड करेगी ईच एंड एवरी टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस के लिए, ठीक है। अब आप जानते हैं कि ये एक्स एन कहां से होगा? आर से होगा, वाई एन भी आर से होगा, और आयोटा इज इक्वल्स टू माइनस वन टू द स्केयर रूट, माइनस वन टू द स्केयर रूट। ये कोशी सीक्वेंस है, सो फॉर एवरी एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर एन नॉट, एक नेचुरल नंबर ऑन नॉट एग्जिस्ट करेगा, सच दैट फॉर ऑल एम एन ग्रेटर देन ऑर इक्वल्स टू एम एन नॉट, इट इंप्लाइज नॉर्म ऑफ जेड एम माइनस जेड एन विच इज एक्चुअली द मॉडुलस ऑफ जेड एम माइनस जेड एन, और यही वो मेट्रिक है एक्चुअली, ठीक है, जो कि इंड्यूस हो रही है इस नॉर्म से। तो इस नॉर्म से जो मैट्रिक इंड्यूस हो रही है उसके तहत आपने कन्वर्जेंस लेकर आनी है, ठीक है, लेस देन एप्सिलॉन। बल्कि अब अगर ये मॉडुलस है तो यहां पर आप क्या लिख सकते हो, इसमें से इसका रियल पार्ट और उसमें से उसका कॉम्प्लेक्स पार्ट, ये बनेगा एक्स एम माइनस एक्स एन प्लस, और सेकेंडली वाई एम माइनस वाई एन आयोटा, ये किसके बराबर होगा? एक्स एम माइनस एक्स एन स्क्वायर प्लस वाई एम माइनस वाई एन स्क्वायर लेस देन एप्सिलॉन। ये आपके पास कंडीशन आ गई, ठीक है। ये कंडीशन कहां से आई? कोशी सीक्वेंस की डेफिनेशन को इस्तेमाल किया गया। आगे चलाते हैं काम। नेक्स्ट यहां से क्या निकलेगा? हम थोड़ी देर के लिए एक्स एम माइनस एक्स एन और जेड एम माइनस जेड एन और इसी तरह वाई एन माइनस वाई एन और जेड एम माइनस जेड एन, इनके दरमियान कंपेरिजन को देखते हैं, ठीक है। मैं ये रफ में काम कर रहा हूं। ये एक्स एम माइनस एक्स एन कितना है? यू ऑल नो कि मॉडुलस ऑफ रियल नंबर है, ये मॉडुलस ऑफ रियल नंबर है, ये मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो काम इसका, इसकी डेफिनेशन क्या होगी स्टूडेंट्स? एक्स एम माइनस एक्स एन स्केयर का स्केयर रूट,
और इसकी डेफिनेशन क्या है, ये तो आपके पास ये लिखा हुआ है, ये क्या है एक्स एम माइनस एक्स एन टू द स्क्वायर वाई एम माइनस वाई एन टू द स्क्वायर, इनके दरमियान क्या रिलेशनशिप है, लेस देन और इक्वल का, क्यों, बिकॉज यहां पर इसमें जीरो ऐड हो रहा है और इसमें ये पॉजिटिव टर्म ऐड हो रही है और दोनों के ऊपर सेम साइन है अंडर रूट का, तो यहां पर एक छोटी टर्म का अंडर रूट है और यहां पर बड़ी टर्म का अंडर रूट है, तो ये टर्म इससे लेस और इक्वल होगी, यानी कि ये कंडीशन आ गई। सिमिलरली आप ये भी देख सकते हैं कि ये इससे लेस और इक्वल होता है, क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द सेम लॉजिक, बिकॉज जब आप इसका मॉडुलस लोगे तो यहां पर वाई एम और वाई एन आ जाएगा और फिर यहां पर एक बड़ी टर्म का अंडर रूट आ रहा होगा, यहां पर एक छोटी टर्म का अंडर रूट आ रहा होगा, दोनों टर्म्स पॉजिटिव हैं, तो इस वजह से लेस देन और इक्वल का रिलेशनशिप आया। यहां से हम क्या लिखते हैं, यहां से क्या बनेगा आपके पास, बट देन अगर आपके पास ये चीज होल्ड कर रही है तो जिन एम एन के लिए ये बात होल्ड करती है उन्हीं एम एन के लिए वो भी होल्ड करती है जो मैंने मिटा दी, क्या, बट देन फॉर ऑल एम एन, एम एन ग्रेटर देन और इक्वल टू एन नॉट, इट इंप्लाइज मॉड ऑफ एक्स एम माइनस एक्स एन, इट इज लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ जेड एम माइनस जेड एन विच इज लेस देन एप्सिलॉन बाय दिस कंडीशन, एंड फॉर ऑल एम एन, एम एन ग्रेटर देन और इक्वल टू एन नॉट, इट इंप्लाइज वाई एम माइनस वाई एन इज लेस देन और इक्वल टू जेड एम माइनस जेड एन, और ये एप्सिलॉन से लेस है। तो अगर आप गौर करें तो तमाम एम एन के लिए ये मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस है और तमाम एम एन ग्रेटर इक्वल टू एन नॉट के लिए ये मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस है, तो पता चला कि अगर एक्स एन को सीक्वेंस माना जाए और वाई एन को माना जाए तो ये दोनों कोशी सीक्वेंसेस हैं, बिकॉज ये डेफिनेशन ऑफ कोशी सीक्वेंस को फॉलो कर रहे हैं, और कोशी सीक्वेंसेस ऑफ रियल नंबर्स, कोशी सीक्वेंसेस ऑफ रियल नंबर्स, यानी कि ये आर के अंदर रियल है, ठीक है, सिंस R is complete, अब R under the usual matrix क्या होती है, complete होती है, और ये under the usual matrix ही कोशी हो रहे हैं, तो completeness इस्तेमाल हो जाएगी R की बतौरे usual matrix, ठीक है, since R is complete, these sequences converge to X and Y respectively in R, क्या मतलब हुआ कि ये एक्स एन कन्वर्ज करेगा X को और X R का एलिमेंट है और Y N कन्वर्ज करेगा Y को और Y भी R का एलिमेंट है, तो ये दोनों कोशी सीक्वेंसेस कन्वर्ज भी कर गए बिकॉज ये R के अंदर है, R में हर कोशी सीक्वेंस कन्वर्ज करता है क्योंकि R कंप्लीट स्पेस है। अगर मैं x और y को देखूं तो इनसे ये दोनों जनरल हैं, तो यहां से एक जनरल कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है, तो z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा वाई, देन ऑब्वियसली ये z कॉम्प्लेक्स नंबर्स के सेट का एलिमेंट बन जाएगा। वी क्लेम, हम क्या क्लेम करेंगे कि जो जेड एन सीक्वेंस लिया गया था ये कन्वर्ज कर रहा है जेड, यानी कि उसके अंदर ही कन्वर्ज कर रहा है, तो ऑब्वियसली सी भी क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी, मगर ये हमने संभव प्रूफ करना है। अब देखते हैं सेंस, अब हमने क्या कहा कि एक्स एन कन्वर्ज करता है एक्स को, वाई एन कन्वर्ज करता है वाई को, सो फॉर एनी एप्सिलॉन पॉजिटिव
there are natural numbers, r epsilon cosmically natural numbers n1 or n2 मिलेंगे सच दैट कंडीशन ऑफ कन्वर्जेंस अप्लाई होगी. We are very close to prove this theorem such that for all n greater than or equals to n1, it implies xn minus x is less than epsilon by under root 2. Our epsilon positive ke liye ye se less rahega, condition of convergence hai. Or for all n greater than or equals to n2, it implies कंडीशन ऑफ कन्वर्जेंस जहां भी अप्लाई हो गई कन्वर्जेंस की कंडीशन आ गई आपके पास लेस देन एप्सिलॉन बाय 2. अगर मैं इन दोनों का n1 और n2 का मैक्सिमम ले लूं और n स्टार इज इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ ऑब्वियसली इन दोनों में से कोई एक होगा मगर ऐसा होगा जो दोनों में बड़ा होगा. ठीक है, n स्टार इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ n1 n2. तो फिर क्या हम कह सकते हैं फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन स्टार इट इंप्लाइज जेड एन माइनस जेड और ये किसके बराबर होगा जेड एन माइनस जेड ऑफ कोर्स जेड एन एक्स एन इसका रियल पार्ट एक्स वाई एन माइनस वाई अयोटा. ठीक है, अब कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस कैसे लिया जाएगा इट इज एक्स एन माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस वाई एन माइनस वाई का स्केयर. अब ब्रैकेट में स्केयर लिखें या मॉड में स्केयर लिखें इट डज नॉट मैटर बिकॉज मॉड इवेंचुअली सेम सॉरी स्केयर इवेंचुअली सेम आंसर देगा आपको. ठीक है, अब एक्स एन माइनस एक्स क्या था एप्सिलॉन बाय अंडर रूट 2 से लेस है तो उसका स्केयर एप्सिलॉन स्केयर बाय अंडर रूट 2 का स्केयर से लेस होगा यानी अंडर रूट 2 खत्म हो जाएगा. इसी तरीके से यहां पर भी और ये सॉल्व होकर क्या देगा एप्सिलॉन स्क्वायर 2 एप्सिलॉन स्क्वायर बाय 2 और एप्सिलॉन स्क्वायर यहां से कैंसिल यानी के एप्सिलॉन. तो इवेंचुअली हमने क्या कर लिया इन दोनों को यूज करके क्योंकि ये इससे लेस है ये इससे लेस था स्क्वायर्स के साथ जब आएगा तो यहां क्या बनेगा इट इंप्लाइज एक्स एन माइनस एक्स मॉड स्क्वायर इज लेस देन एप्सिलॉन स्क्वायर बाय 2 एंड इट इंप्लाइज yn minus y square is less than epsilon square by 2. तो ये इससे लेस ये इससे लेस और अंडर रूट 7 के साथ आ गया तो zn कन्वर्ज कर गया z को यानी कि सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर एक ऐसा सीक्वेंस तलाश कर लिया जनरली जो कि कोशी था और कन्वर्ज कर गया उसी के अंदर अंडर द मैट्रिक्स इंड्यूस्ड बाय द नॉर्म ऑफ सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स इट मींस c इज अ बनाक स्पेस. It implies Zn converges to Z belongs to C. That is limit n approaches to infinity. Zn is equal to Z belongs to C. It implies C is complete under the metric induced by Knorr. That is C is Banach. C आपके पास क्या हो गई बनाक स्पेस हो गई. That's it for today. Assalamu alaikum.